राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इस बीच सिसोदिया की सीट पर बीजेपी की जीत, ये पटपड़गंज में 4 में से 3 सीटें बीजेपी को मिलना, ये क्या बता रहा है? सत्येंद्र जैन की सीट पर भी बीजेपी जीती है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। शकूर बस्ती की 3 की 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। आदेश गुप्ता की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। ये अपने आप में कई बड़े टेकअवेज निकल कर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं नतीजों के बाद। दीवान जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? ये नतीजे जो हैं, ये क्या बता रहे हैं? सत्येंद्र जैन की सीट पर बीजेपी का जीतना, सत्येंद्र जैन जिन पर इतने आरोप लगाए बीजेपी ने। जी, मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों पे सवाल उठे हैं, हाँ, ये उनकी इमेज खराब होने की वजह से ये नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। और सिसोदिया भी कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी। हाँ, सेम इज द केस विद सत्येंद्र जैन। तो लोगों ने इस बारी जो वोटिंग करी है, चाहे बीजेपी के लिए की नेगेटिव कैंपेनिंग का नतीजा है, क्या ये आपको लगता है पॉसिबिलिटी है? नहीं, नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं है ये, तो देखिए पब्लिक के सामने क्या इमेज बनती है किस नेता की, उसका रिजल्ट है ये सामने। बिल्कुल, अलीपुर से बीजेपी के योगेश ने जीत दर्ज कर दी है, और जिस तरीके से फिलहाल अभी फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं उस लिहाज से अब मुखर्जी नगर से भी लेटेस्ट अपडेट आ चुका है कि यहां भी बीजेपी के इकबाल आगे हैं, जबकि गांधीनगर में बीजेपी की प्रियंका जीत दर्ज कर चुकी है। तो लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं, अलीपुर से बीजेपी के योगेश की तरफ से जीत दर्ज की जा चुकी है, और साथ ही लगातार पता लग पा रहा है कि मुखर्जी नगर में भी बीजेपी के इकबाल फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। समीर, और देखिए 216 सीटों के नतीजे आ गए हैं आम आदमी पार्टी के खाते में, 113 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6। अनिल यादव कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, ये बात तो हम बीजेपी के लिए कह सकते हैं एमसीडी चुनावों के नतीजों के मद्देनजर कि भाई मंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, कांग्रेस के लिए क्या कहा जाए? देखिए, अभी मैं सुन रहा था एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट खा गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति में कोई किसी को खाता नहीं है, ये समय समय की बात होती है, कभी किसी का पलड़ा भारी होता है तो कभी किसी का।